आज तारीख हो चुकी है 1 मई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर आज एक बार फिर से कौन सी 8 बड़ी खबरें, कौन से 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब अगर हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है राजस्थान रॉयल्स के रिप्लेसमेंट प्लेयर वेंडर डसन की तरफ से। दरअसल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने साउथ अफ्रीका के वेंडर डसन को यहाँ पर बेन स्टोक्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में इंक्लूड किया, और कल ये भारत पहुंच चुके थे और कल भारत पहुंच कर ये क्वारंटाइन हो चुके, 7 दिन के लिए क्वारंटाइन हो चुके हैं। और अब वो डेट सामने हमारे आ चुकी है कि आखिर कौन सी तारीख से और कौन से मैच से ही यहाँ पर ये मैच खेलने के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध हो जाएंगे। तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये कंफर्म हो चुका है कि आने वाले 2 से 3 मुकाबलों में उपलब्ध नहीं रहेंगे, और 8 मई को यानी 7 दिन बाद जो 8 मई को यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स और एमआई के बीच जो आईपीएल का मुकाबला होगा, इस मुकाबले से यहाँ पर वेंडर डसन प्लेइंग 11 में सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 8 मई को हमें हो सकता है कि वेंडर डसन का आईपीएल डेब्यू देखने को ले। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग वेंडर डसन का कैसा प्रदर्शन इस आईपीएल एडिशन में रहेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आज होने वाले आईपीएल के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज आईपीएल 2021 के सीजन का काफी इंपोर्टेंट मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर आज एमआई और सीएसके की टीमें आमने सामने होगी। अगर एमआई की टीम आज का मुकाबला जीतती है तो इस टीम के 8 पॉइंट हो जाएंगे, फिर इस टीम को प्लेऑफ्स में जाने के लिए केवल 4 मुकाबले जीतने होंगे। जबकि अगर सीएसके की टीम आज का मुकाबला जीतती है तो सीएसके के 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, सीएसके की टीम को प्लेऑफ्स में जाने के लिए केवल 2 मुकाबले जीतने होंगे। तो कुल मिलाकर आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ना सिर्फ दोनों टीमों के लिए बल्कि आपके लिए भी मुकाबला काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस मुकाबले की आप माई 11 सर्किल पर टीम बनाकर पूरे 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने माई 11 सर्किल का लिंक दे रखा है, अगर यहां से आप माई 11 सर्किल को डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करते ही आपको हमारी तरफ से 1500 रुपये बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उन्हीं 1500 रुपयों में से आप केवल 1 रुपया लगाकर माई 11 सर्किल पर टीम बनाकर पूरे 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। इवन यहाँ पर कल जो आरसीबी और पंजाब का मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में हमारे सब्सक्राइबर ने पूरे 20 लाख रुपए माई 11 सर्किल से जीत लिए हैं। आप सारे सबूत, सारे स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपके पास भी मौका है कि आज होने वाले एमआई और सीएसके के मुकाबले में आप पूरे 1 करोड़ जीत सके। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से माई 11 सर्किल को डाउनलोड करके हमारी तरफ से 1500 रुपये प्राप्त करके आज के मुकाबले के लिए अपनी टीम बना ले। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो केकेआर की तरफ से। दरअसल केकेआर के यहाँ पर हेड कोच ब्रेंडन मैकलम ने यहाँ पर केकेआर की टीम को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर मैकलम ने बताया कि केकेआर की टीम को अब प्लेऑफ्स में क्वालिफिकेशन के लिए अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से यहाँ पर 6 मुकाबले जीतने होंगे, यानी 95% मुकाबले जीतने होंगे। और यहाँ पर केकेआर के बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर शुरुआती 7 मैचों में यहाँ पर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। इवन यहाँ पर अच्छी मैनेजमेंट होने के बाद भी, इतने मौके मिलने के बाद भी यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। तो मैकुलम ने बताया कि अब ये टीम कठोर डिसीजन लेगी और अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को यहाँ पर ड्रॉप कर दूसरे प्लेयर्स को अपकमिंग मैचों में, यानी इस टीम का जो 3 मई को आरसीबी के खिलाफ मुकाबला होगा, उस मुकाबलों में यहाँ पर किसी नए प्लेयर को यहाँ पर प्लेइंग 11 में मौके मिलेंगे। इनडायरेक्टली इन्होंने ये बताया कि आने वाले मुकाबलों में अब शुभमन गिल को, इसके साथ ही हो सकता है कि यहाँ पर सुनील नारायण को अब प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया जाए। इसके साथ ही बेन कटिंग, टिम शाइपर जैसे प्लेयर्स को यहाँ पर अब प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है, करुण नायर को भी प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि यहाँ पर केकेआर के मुकाबले से पहले आपको हमारे चैनल पर प्लेइंग 11 मिल जाए। इसके साथ ही आईपीएल को लेकर भी आप कोई भी खबर मिस ना कर पाए। इसके साथ ही आप कमेंट करें आपके अकॉर्डिंग आखिर केकेआर की टीम को यहाँ पर अपकमिंग मुकाबलों के लिए आखिर प्लेइंग 11 में कौन कौन से नए प्लेयर्स को इंक्लूड करना चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग अब ये टीम प्लेऑफ्स में जा पाएगी या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है जेसन मेरेंडोप की तरफ से। दरअसल जेसन मेरेंडोप अब यहाँ पर सीएसके के लिए खेलने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से उपलब्ध हो चुके हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में 100% फिट नहीं थे, इसी वजह से ये
सीएसके के लिए डेब्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन अब स्क्रीन पर आप इनकी फोटोज वीडियोस देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सीएसके की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज जो एमआई के खिलाफ मुकाबला होगा, इस मुकाबले में जेसन मेरेंडोप का यहाँ पर सीएसके के लिए आईपीएल डेब्यू हो सकता है, क्योंकि एमआई के लिए आईपीएल में एक दो सीजन खेल चुके हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन एमआई के लिए कर चुके हैं। इसी वजह से आज एमआई के खिलाफ होने वाले मुकाबले में यहाँ पर जेसन मेरेंडोप का 90% चांसेस है कि आज हमें डेब्यू देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कैसा प्रदर्शन जेसन मेरेंडोप का आज अपनी पुरानी टीम एमआई के खिलाफ रहेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है उन सभी प्लेयर्स को लेकर जिन्होंने यहाँ पर पीएम फंड में यहाँ पर कोविड के लिए डोनेट किया है, कोविड के लिए यहाँ पर डोनेशन दिया है। अगर हम बात करते हैं उन प्लेयर्स की, तो इनमें सबसे पहले नाम आता है शिखर धवन का। शिखर धवन ने अपनी तरफ से यहाँ पर 20 लाख रुपए डोनेट किए। इसके अलावा शिखर धवन ने ये बताया है कि मैन ऑफ द मैच या फिर सभी अवार्ड से वो आईपीएल में जितने भी यहाँ पर पैसे जीतेंगे वो सभी भी वो डोनेट कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जयदेव उनटकट ने भी अपनी आईपीएल यहाँ पर अर्निंग का 10% यहाँ पर डोनेट किया है, यानी 30 लाख रुपए इन्होंने डोनेट किए हैं। इसके साथ यहां पर पंजाब के निकोलस पूरन ने अपनी पूरी आईपीएल सैलरी डोनेट कर दी है, यानी जो 4.2 करोड़ रुपए इनको आईपीएल सैलरी मिली है ये कंप्लीट इन्होंने डोनेट कर दी। इसके साथ ही हैदराबाद के विकेटकीपर गोस्वामी ने भी यहां पर अपनी तरफ से 90,000 रुपए डोनेट किए हैं। इसके साथ ही हालांकि सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। तो यहां पर दो विदेशी प्लेयर्स के बाद अब इन इंडियन प्लेयर्स ने भी अपनी तरफ से यहां पर डोनेशन शुरू कर दी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की, तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है पीएसएल को लेकर। दरअसल पीएसएल के बचे हुए मैचेस अब हमें यहां पर 1 जून से देखने को मिलेंगे, जहां पर पीएसएल के लगभग अब 4 से 5 मुकाबले बचे हैं। बाकी पीएसएल यहां पर कोविड के चलते हुए 3-4 महीने पहले पोस्टपोन हुआ था, इसी वजह से जो पीएसएल के प्लेऑफ्स के मुकाबले थे वो 1 जून से हमें देखने को मिलेंगे और 20 मई से यहां पर पीएसएल में खेलने वाले सभी प्लेयर्स को यहां पर कोविड की टेस्टिंग के साथ क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी वजह से यहां पर 17 मई तक हो सकता है कि शाकिब अल हसन, आंद्र असल, इसके साथ ही क्रिस लिन, इसके साथ ही यहां पर वेंडर डसन आईपीएल को छोड़कर पाकिस्तान चले जाए। हालांकि अभी तक इनके नाम कंफर्म नहीं हुए, लेकिन हो सकता है कि अगर इनकी टीमें यहां पर प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाए तो ये प्लेयर्स आईपीएल को छोड़कर पाकिस्तान चले जाएंगे, और अगर इनकी टीमें प्लेऑफ्स से बाहर नहीं होती तो शायद इन प्लेयर्स को यहां पर आईपीएल की टीमें आईपीएल छोड़ने की मंजूरी ना दे, या फिर ये प्लेयर्स भी आईपीएल को छोड़कर पीएसएल ना जाए। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में हमें और भी बड़ी लिस्ट देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में हमें इस पर यहां पर कंफर्मेशन न्यूज भी मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आप जब भी इस पर कंफर्मेशन न्यूज आए तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाए। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल इस साल अक्टूबर के महीने में, यानी 5 महीने बाद हमें T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा, और इस साल के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को मिली, यानी भारत इस बार का T20 वर्ल्ड कप यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी तरीके से आयोजित करेगा। और कुछ दिनों पहले हमारे चैनल पर एक वीडियो ही थी, उस वीडियो में हमने सभी वेन्यूज के बारे में बताया था जिन वेन्यूज में इस साल T20 वर्ल्ड कप होना है, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ने के बाद अब यहाँ पर शायद आने वाले दिनों में अब T20 वर्ल्ड कप भारत में पॉसिबल ना हो पाए। इसी वजह से अब BCCI ने फैसला लिया है कि भारत में यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप पॉसिबल ना होने के कारण अब T20 वर्ल्ड कप को यहाँ पर UAE में शिफ्ट किया जाए, यानी UAE में अब यहाँ पर जो 3 स्टेडियम है उन तीनों स्टेडियम्स में T20 वर्ल्ड कप कराया जाएगा, यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में अब UAE यानी दुबई में यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग T20 वर्ल्ड कप को यहाँ पर UAE में शिफ्ट किया जाने वाला BCCI का सही फैसला है या फिर नहीं, और आपके अकॉर्डिंग UAE की कंडीशन के अकॉर्डिंग आखिर कौन सी टीम इस साल यहाँ पर वर्ल्ड कप की चैंपियन बनेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है पंजाब की तरफ से। दरअसल कल पंजाब ने RCB को हरा कर अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर अपनी जगह फिक्स कर ली। आप स्क्रीन पर कंप्लीट पॉइंट्स टेबल देख पा रहे होंगे। अब पंजाब की टीम को अपने बचे हुए 7 में से 5 मुकाबले जीतने होंगे, 5 मुकाबले जीतकर ये टीम प्लेऑफ्स में जा पाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर कल पंजाब के सभी प्लेयर्स ने यहाँ पर अपनी तरफ से फ्लैग लिए कि ये सभी प्लेयर्स यहाँ पर कोविड के दौरान अपनी तरफ से जितना हो सके उतना पीएम फंड में या फिर अदर जगह डोनेट करेंगे। इसके साथ ही कल ही पंजाब के निकोलस पुरन ने तो अपनी सारी सैलरी डोनेट कर दी है। तो कुल मिलाकर पंजाब की
टीम ने भी अब अपनी तरफ से यहाँ पर डोनेशन शुरू कर दी। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन जरूर प्रेस कर ताकि आप आईपीएल को लेकर खबरें मिस ना कर पाए। इसके साथ ही आप कमेंट करें आपके अकॉर्डिंग पंजाब की टीम इस साल प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।